क्लास सिक्स चैप्टर फर्स्ट फूड। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था, अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ प्लांट। आज हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये आपके सामने पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं इस प्लांट के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। एडिबल मीन्स ईटेबल, जिसे हम खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर इसमें फ्लावर है, फिर फ्रूट है, स्टीम है, लीफ है, उसके बाद उसकी प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, नोड है, इंटर नोड्स हैं। तो इसके ऊपर के पार्ट को शूट सिस्टम कहते हैं और नीचे के पार्ट को रूट सिस्टम कहते हैं। और फिर हमने देखा कि इसके बहुत से पार्ट्स को हम खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्लांट्स के कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं, हम उनके एक से ज़्यादा पार्ट्स को खाते हैं। हम इनके फ्लावर्स को भी खा सकते हैं, लीव्स को भी खा सकते हैं, और साथ साथ बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट्स होंगे जिन्हें हम पूरे का पूरा ही खाते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं और हम उनके कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट सच एज फ्रूट्स, लीफ, रूट, एटीसी। फर्स्ट इज मस्टर्ड। मस्टर्ड सुना होगा अपने, सरसों का प्लांट। तो सरसों से हम तेल भी लेते हैं जो कि निकलता है सीड से, और साथ ही साथ बहुत से लोग इसकी लीव्स को खाते हैं एज अ वेजिटेबल। स्पाइसेस ऐड करके, साग बना के, या किसी भी तरीके से इसके लीव को खाया जाता है, ये अच्छा माना जाता है। पम्पकिन, पम्पकिन एक वेजिटेबल है, हम इसे एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। बहुत से लोग इसकी लीव को खाते हैं और बहुत से लोग हैं जो इसके फ्लावर्स को भी खाते हैं। उसके बाद हमारा आता है बनाना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना को हम ईट भी करते हैं, हम इसे एज अ फूड भी लेते हैं, एज अ फ्रूट भी हम इसका यूज़ करते हैं। बनाना है बहुत ही हेल्दी होता है एक तरह से, तो हम इसके बहुत सारे पार्ट्स को भी खा सकते हैं और ये खाया भी जाता है बहुत से पार्ट्स को इसके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्प्राउटेड। व्हाट इज़ स्प्राउटेड? स्प्राउटेड होता क्या है? तो आपने देखा होगा बहुत से सीड्स पे एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है, मतलब कि कह सकते हैं कि उसमें से उसके जो पार्ट्स हैं जमने लगते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मैनी हैव ऑन द सीड्स। हियर इज़ की डेफिनेशन। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। सीड्स में से जो भी एक स्ट्रक्चर वाइट कलर का बाहर निकलने लगता है, या फिर कह सकते हैं ग्रोन होने लगता है बाहर की साइड, उसे हम कहते हैं स्प्राउट। ये इसका एग्जांपल चना, इसे हम इंग्लिश में ग्राम कहते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल इज मूंग दाल, इसमें भी स्प्राउट्स होते हैं सेम एज ग्राम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हनी। डू यू नो वेयर हनी कॉम्स फ्रॉम और हाउ इट्स प्रोड्यूस? हनी कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन लाता है, ये सब हम पढ़ेंगे अब आगे। हनी कलेक्ट किया जाता है बीज के द्वारा। बीज कलेक्ट स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन इट हाइव, मतलब अपने हाइव में रखती हैं। ये कलेक्ट कहाँ से करती हैं? स्वीट जूस जो कि वो निकालती हैं फ्लावर से, वो सक करती हैं जूस को, चूसती हैं और ले जाके एक जगह इकट्ठा करती हैं अपने हाइव में, और धीरे धीरे करके इसमें शहद अपने आप ही बनने लगता है उस जूस से। और हमें जब भी ये छत्ता कहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, इसे लेते हैं और इसमें से सारा शहद निकाल लेते हैं। हम अपने खुद के इस्तेमाल के लिए भी करते हैं, ये एक तरह से आजकल का बिज़नेस भी बन चुका है। बहुत से लोग बीज को पालते हैं, हाँ इनको भी पाला जाता है, इनको पालते हैं और सिर्फ इसीलिए पालते हैं ताकि ये लोग अपना शहद बनाएं और हम लोग इनसे शहद ले लें
और इनको आगे सेल करें। ये शहद वो एक साल में इसके लिए हो सकता है उन्हें कई साल लगे हों, एंड इसके लिए कम से कम एक साल तो लगता ही है, और हम इन्हें स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते। हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।